कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आया तो आपका जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, ब्लॉग कर ले यार सही से पहले। आज वैसे 3 महीनों के बाद हम चले हैं व्लॉग करने के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड चैनल टू माय वेलकम। अरे कहना क्या चाहते हो? वेलकम टू चैनल गाइस, प्लीज घंटी को लगा दो। अरे यार क्या ही बोले जा रहा हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि लगता है भाई आजकल जो है रील बहुत फेमस हो रहा है कि चैनल टू वेलकम, वेलकम टू चैनल। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे ही कुछ शुरुआत की जाए ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और फ़िलहाल अभी हम आए थे काम पे और अपना काम ख़त्म करके बस यही निकल ही रहे हैं। तो कैमरा वगैरह अब ले के चले हैं तो ये सोचे हैं कि अब जो है व्लॉग वगैरह डाला जाए, क्योंकि इसका एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा खुशखबरी है मेरे लिए और आप सभी के लिए उससे भी ज़्यादा, कि तुम्हारे भाई साहब राइड विद किक का पहली सैलरी आ चुकी है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पिछले 3 महीने से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट हमेशा नाकामयाब हो जाता हूँ, बना ही नहीं पा रहा हूँ। समय का जो खेल है ना वो कोई जीत नहीं सकता समय से, इसीलिए यही दिक्कत हो रही है मेरे साथ में भी। और समय का प्रॉब्लम होने के साथ साथ थोड़ा काम पे प्रेशर भी है, इसी वजह से व्लॉग्स वगैरह आ नहीं रहे हैं मेरे। बट अब मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है। वैसे तो आप लोग कहोगे भाई तू हर बार कोशिश करता है बट तुम्हारा व्लॉग जो है आता ही नहीं है, तो आप लोगों को बता दे कि अब व्लॉग आएगा। इसकी रीज़न ये है कि तुम्हारे भाई राइड विद किक का यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, तो आप लोग अभी जल्दी से तालियां मार दो इस बात पे। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। और काफ़ी खुशी हुआ मुझे फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से मिला, अप्रॉक्सीमेट $107 का पेमेंट आया, जो कि ये पेमेंट आने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेट मोनिटाइज होने के बाद 1 साल लग गया। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत तो ये था कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हूँ ही नहीं, मैं कभी कभी 4-5 वीडियो एक साथ डाल देता हूँ, एक हफ्ते लगातार वीडियो डाल देता हूँ, उसके बाद में भाई साहब हम तो गायब ही हो जाते हैं, 1-2-3 महीने तक दिखाई नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है तो उसमें अपना चैनल फिट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से व्यूज़ कम आ रहे हैं, लोगों तक वीडियो कम पहुँच रही है। देखिए यार मेरा मानना ये है कि अगर YouTube करना है तो उसे भी एज अ जॉब देखना होगा, उस पर भी तुम्हें टाइम देना होगा। अगर टाइम नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, तब तो भाई बड़ा मुश्किल है कि चैनल भी मोनेटाइज हो पाए। क्योंकि पहले मैं जो है YouTube को हर महीने कुछ ना कुछ वीडियो तो डालते रहता था, ऐसा गैप कभी नहीं लेता था। बट पिछले 1 सालों में जब से मोनेटाइज हुआ है मेरे साथ बहुत ही पंगे होते हैं, मैं ना ही मोनेटाइज वीडियोस पे जो है क्या कर रहा है यार सही से ब्लॉक कर ले, मतलब पिछले 1 सालों से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। कुछ वीडियो डालता हूँ फिर 1-2 महीने का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए कि मेरा चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। क्योंकि मेहनत तो यार हम कर ही रहे, आपने देखा, अगर आपने लद्दाख सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार जाके सबसे पहले लद्दाख सीरीज़ के वीडियोस देख लो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है मेरा टाइटल वगैरह देख के आए हैं ये वीडियो देखने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपका यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कैसे आता है और क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या आपको करना पड़ता है और क्या क्या अपने आप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले point number 1 कि आपका जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइज होना चाहिए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद $100 जब तक नहीं हो जाते तब तक आपका YouTube से पेमेंट रिलीज नहीं होगा। और आपको बता दें कि पेमेंट जो है ये अपना आता है एडसेंस के थ्रू,
दैट मीन्स कि इस पे व्यू का कोई लेना देना नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर का लेना देना है, इस पे बस लेना देना है तो एडवर्टाइजमेंट का, कि आपके वीडियोस पे जितनी एडवर्टाइजमेंट चलती है। तो भाई सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट मतलब व्यूज़, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएगा। क्या मस्त दोगला आदमी है तू। तो बस बेसिकली यही फंडा है कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आया तो आपका जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, व्लॉग कर ले यार सही से पहले। प्रॉब्लम होती है यार, अगर आप लंबे समय का ब्रेक ले लो ना तो व्लॉग करते समय ऐसे ही जीप सरकती है और कुछ भी शब्द सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हम लोग। तो रेवेन्यू जनरेट जब होती है तो $100 तक जो है वो होल्ड करके रखता है एडसेंस। $100 होने के बाद में वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो $100 कंप्लीट होने के बाद में आपको ऑप्शन तुरंत नहीं आता है कि बैंक अकाउंट ऐड करना है। $104 या $105 तक जब होता है तब जाके आपका मतलब कि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी होगा आपको उसमें ऐड करना है, उसका IFSC कोड डाल देना है एंड हर एक चीज़ डाल देना है, और जो सबसे मेन थिंग है BIC कोड या फिर शिफ्ट कोड भी कहते हैं। तो ये कोड आपको आपके पर्टिकुलर ब्रांच से मिलेगा, तो वो ब्रांच से जाके आपको लेना है, और वो कोड 11 डिजिट या 10 डिजिट का होता है, वो प्रॉपरली आपको डालना है। आफ्टर दैट आप लिंक हो जाओगे गूगल एडसेंस से, देन जब भी आपका मंथ में रिलीज़ होगा, आई थिंक 7 को या 21 को रिलीज़ होता है पेमेंट, और उसके एक हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। बट इस बीच, इस 7 दिनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। कह रहा था कि जब YouTube आपका पेमेंट रिलीज़ करता है 21 तारीख को, कभी कभी 22 तारीख को भी रिलीज़ करता है, दैट मीन्स ये 21 से 26 के बीच में कभी भी रिलीज़ करता है पेमेंट आपका। तो रिलीज़ होने के बाद में आपको एक जो आपका मेल आईडी होगा उस पर एक ईमेल आ जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका जो भी रेवेन्यू था वो सेंड हो चुका है, तो विद इन 4-5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अब मुझे ये नहीं पता कि हर बार आता है कि फर्स्ट पेमेंट पे आता है, क्योंकि अभी तक तो मेरा सिर्फ एक ही पेमेंट हुआ है यूट्यूब से, सो मुझे नहीं पता। तो अभी फर्स्ट तो मुझे मेल आ गया, तो वो मेल देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। मैं बोला यार चलो फाइनली मेरा मेहनत जो है अब दिख के आ रहा है। लेकिन जब आपका फर्स्ट पेमेंट होता है यूट्यूब का, तो आपको बैंक की तरफ से, जो बैंक का फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से एक ईमेल आएगा। वो ईमेल ये रहता है कि बेसिकली इसलिए आता है, वो पता नहीं कि हर किसी को आता है या किसी किसी को आता है, बट मुझे तो आया था। उसमें मेल में क्लियरली ये लिखा था कि ये रेमिटेंस जो आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किस पर्पज़ से आ रहा है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आपको मैं वो मेल का स्क्रीनशॉट भी दिखाई दूंगा, स्क्रीन पे आपको कहीं भी दिख रहा होगा कि उसमें क्लियरली लिखा होता है कि ये रेमिटेंस जो आ रहा है वो किस लिए रहता है। तो वो क्वेरी रहता है उनका, तो उस पर बेसिकली करना कुछ नहीं है, उसके नीचे नंबर भी होता है, आप उन्हें फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि ये आपका पेमेंट क्यों आ रहा है या किस लिए आ रहा है, और अदरवाइज़ आप उन्हें मेल पे रिवर्ट भी कर सकते हो। मैंने मेल पे रिवर्ट कर दिया सिंपली उनको। ये मेल इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में फॉरेन करेंसीज का पैसा जो है इंडिया में आता है, या आप जहाँ भी रहते हो वहाँ आता है। तो बेसिकली ये इसलिए आता है कि इनको, बैंक वालों को जानना होता है कि फॉरेन से आपका पैसा क्यों आ रहा है। तो उन्हें जस्ट आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि आपका एक यूट्यूब अकाउंट है, और बेसिकली आज के डेट में तो सब लोग अवेयर हो चुके हैं यूट्यूब को लेके, तो उन लोगों को पता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है। बट मुझे पता है कि पहले के लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज हुआ होगा एक्सप्लेन करने में कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे ही उनको मतलब मेल में लिखा, और इवन मैंने उनको कॉल भी किया था, तो मैंने उन्हें ये बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइज है, जिस पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा मुझे मिलता है, तो ये एड रेवेन्यू है। तो उन्होंने उसके बेसिस पे मेरा जो रेमिटेंस है वो क्लियर कर दिया, और उनके क्लियर करते ही मुझे नेक्स्ट डे एक और मेल आया जिसमें ये आया कि मतलब कि मेरा जो अमाउंट ड्यू पेंडिंग पड़ा हुआ था वो क्लियर हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये जस्ट मेल आया है, तो मैंने टेम्प्रेरी अपना एक अकाउंट चेक किया, तो
तो अकाउंट में जो है पैसे क्रेडिट हो चुके थे। तो मतलब मुझे मैसेज नहीं आया था क्रेडिट का, क्योंकि कभी कभी सर्वर स्लो होता है जिसकी वजह से हमें क्रेडिट का मैसेज नहीं आता है। तो बेसिकली यही हुआ, वो मेल के बेसिस पे मैंने चेक किया तो अमाउंट क्रेडिट हो चुका था मेरे अकाउंट में। सो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। बस आपको वो रेमिटेंस के लिए, एक क्लियरेंस के लिए आपको एक मेल देना होगा या फिर आपको कॉल करके बात करना होगा अगर आपका फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पेमेंट का तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे पेमेंट जो आया था वो 31 दिसंबर को आया, और आज डेट है 20 फरवरी, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 महीने बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा बिजी है बाकी चीज़ों में। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार यूट्यूब पे मैं ग्रो कर सकता हूँ अगर आप लोग हमेशा ऐसे जैसे सपोर्ट करते आए हैं, अगर वैसे सपोर्ट मुझे दिखाएं तो यार मैं यूट्यूब पे बहुत आगे जा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो व्लॉग था ये आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, और ये जान के आप लोगों को खुशी हुई होगी कि तुम्हारे भाई का यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, महादेव, राम राम।